आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में हुई है, ये कंप्लीट हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता घोषित हो चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन की करारी शिकस्त दी है। भारत 209 रन से हारा है। ये मैच लंदन के ओवल ग्राउंड में था। इस मैच से ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिले हैं 1.6 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। और इस मैच को जब भारत ने हारा है, क्योंकि लंदन में था, विराट कोहली समेत जितने भी बड़े नाम थे हमारे नहीं चल पाए इस मैच में, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में 5,000 रन अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में पूरे किए। ओवल में ही उन्होंने 5,000 रन टोटल पूरे किए हैं। उसके बाद आ जाता है शार्दुल ठाकुर। तो इन भाई साहब ने, शार्दुल ठाकुर ने ओवल में लगातार 3 जो टेस्ट मैच हुए हैं उनमें 50s मारी हैं। ये देख लीजिए कि विल पावर, कंसिस्टेंसी शार्दुल ठाकुर की जितने भी बड़े ऊपर नाम रहे हैं उन सब से ज्यादा रही है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में और ओवल के इतिहास में भी। क्योंकि एक ही बंदा हुआ आज तक, डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने लगातार ओवल में 50 बनाई है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर नया नाम जुड़ गया है इतिहास का। क्रिकेट के बाद आपको मैं ले चलता हूं स्पेशल ओलंपिक्स, जो वर्ल्ड समर गेम्स होंगी, ये होंगी जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन में। ये पहला अवसर होगा इतिहास में जब ये जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं ये जर्मनी में होंगे, यानी बर्लिन में आयोजित होंगे। अब ये कौन से स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं? ये स्पेशल ओलंपिक्स हैं स्पेशल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से अक्षम हैं, स्पेशल हैं वो मानसिक रूप से। पैरालंपिक्स मींस शारीरिक रूप से, और ये जो स्पेशल ओलंपिक्स हैं ये उनके लिए जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, यानी स्पेशल हैं उनके लिए ये ओलंपिक्स हैं। दुनिया भर के लगभग 7,000 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे, 190 देशों के लोग आएंगे। भारत के 255 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें प्लेयर्स होंगे और उनके साथ जो स्टाफ जाता है, वो 255 लोग जा रहे हैं। ये जो स्पेशल ओलंपिक्स हैं इसमें 26 खेले होंगी, 26 अलग अलग से गेम्स हैं जिनमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, विधाएं हैं 26। 9 दिन तक चलेगा, 17 जून से लेकर के 25 जून तक चलने वाली ये महाकुंभ है खेलों का। और ये बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनकी तो दिक्कत दिखती है, सबको पता चलता है, लेकिन जो मानसिक रूप से दिक्कत में हैं लोग, उनके लिए सरकारों ने कदम उठाया, ये सराहनीय है। और ये 16वें गेम्स हैं, यानी 16 वर्ष हो चुके हैं इन गेमों को, 16 ऐसे पार्टिसिपेशंस हो चुकी हैं, ये गेम्स 16वीं बार आयोजित की जा रही हैं, और लेकिन जर्मनी में यानी बर्लिन में पहली बार हो रहा है ये। भारत की जो स्पेशल ओलंपिक, भारत की कमेटी है, उसकी अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा। और ये जो ओलंपिक्स हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये स्पेशल लोगों के लिए हैं, यानी ये ब्रेन की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे लोगों से संबंधित हैं। इन गेम्स में जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी उम्र 8 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। 8 वर्ष से कम लोगों के लिए इन गेम्स में पार्टिसिपेशन क्या नहीं अधिकार है, लेकिन 8 वर्ष या इससे अधिक की उम्र हो, उम्र अधिक से अधिक जितनी मर्जी हो, लेकिन कम से कम 8 वर्ष उम्र चाहिए। आया हूं यूआईटीपी अवार्ड्स 2023। यूआईटीपी अवार्ड्स 2023 जलवायु और स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी पर्यावरण से संबंधित हैं। ये अवार्ड्स प्राप्त करने वाले हैं हमारी बेस्ट, यानी मुंबई की जो ट्रांसपोर्ट को देखने वाली कंपनी है, बेस्ट अंडरटेकिंग को यह अवार्ड 2023 का मिला है। किस लिए मिला है? बेस्ट का जो ग्रीन ट्रेवल इनिशिएटिव है उसके लिए। ये ग्रीन ट्रेवल इनिशिएटिव क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूआईटीपी का पूर्ण रूप क्या है। यह है यूनियन इंटरनेशनल देस ट्रांसपोर्ट्स पब्लिक्स। अब ये फ्रेंच भाषा में है, और साधारण भाषा में बताऊं तो ये ट्रांसपोर्टर्स का, पूरी दुनिया की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उसका ये सबसे बड़ा एक ग्रुप है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले संगठन, यानी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स खास करके उनके लिए इंटरनेशनल लेवल का ये
अवार्ड्स फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, अच्छी जो प्रैक्टिसेज हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और मुंबई की जो बेस्ट बसेस हैं उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इसी की शॉर्ट फॉर्म बेस्ट है। तो इन्होंने एक ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया, ग्रीन ट्रेवल इनिशिएटिव। उसमें क्या है कि जो अपनी ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, पब्लिक बसेस हैं दिल्ली में, वो सॉरी मुंबई में, वो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रांसफर कर रही है बेस्ट, और कई बसेस कर दी गई हैं। और 2026 का टारगेट है उनका कि 10,000 का फ्लीट होगा मुंबई में जो इलेक्ट्रिक बसेस का होगा। लेकिन एक और बड़ी बात, ये जितनी भी बसेस चार्ज होंगी वो सोलर एनर्जी से चार्ज होंगी। हमारी ट्रेडिशनल जो जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली बनती है या फिर परमाणु संयंत्रों वाली बिजली से नहीं चलेगी, सोलर एनर्जी से चार्ज होगी। इसके लिए भी पूरी उन्होंने प्लानिंग करी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जा रहा है और जहां जहां जरूरत है उसको पूर्ण किया जा रहा है। और 2026 का टारगेट वहां का ये है कि मुंबई के लोग बेस्ट की इलेक्ट्रिक बसों में सफर करेंगे। एक और न्यूज है हमारे लिए, लेकिन खुशी की बात है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स में अभिनव तथा गौतमी ने स्वर्ण पदक जीता है। यह जो 10 मीटर मिक्स यानी लड़का और लड़की, इसमें दो प्लेयर्स होते हैं जो दोनों ही लड़का और लड़की मिक्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये उस प्रतिस्पर्धा में विनर रहे हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। अब ISSF है क्या? ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसका मुख्यालय म्यूनिच जर्मनी में, म्यूनिक भी बोल देते हैं इसको, जर्मनी में है। और भारत के काफी सारे निशानेबाज हैं जो ISSF गेम्स में भारत का झंडा ऊंचा कर चुके हैं।